दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों प्यार का नाम सुनते ही या शादी का नाम सुनते ही दिलो दिमाग में कई तरह के सपने और समस्याएं उभरनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि प्यार और शादी को लेकर हर किसी के अपने अपने अनुभव और विचार होते हैं और लोग अपनी पसंद के अनुसार ही अपने प्रेमी प्रेमिका या पत्नी का चुनाव करते हैं, किंतु कई कारणों के चलते उनका प्यार या वैवाहिक रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाता, क्योंकि जब दोनों की राशियां ही एक दूसरे की शत्रु राशियां होती हैं तो ऐसे में न तो रिश्ते ज्यादा दिनों तक टिके रह पाते हैं और ना ही दोनों अपनी लाइफ में कभी खुश रह पाते हैं, क्योंकि जब दोनों का मेल ही गलत होता है तो उनके रिश्तों में अनेकों समस्याएं आनी स्वाभाविक होती हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपको अपनी पसंद का पार्टनर मिले जो हर तरह से आपके साथ हंसी खुशी और वफादारी से पूरा जीवन व्यतीत करे, तो आपको इस वीडियो में बताई गई राशियों के आधार पर ही शादी करनी चाहिए। चलो बताते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, दोस्तों वृषभ राशि के लड़के लड़कियां अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसो आराम भरी जिंदगी व्यतीत करना पसंद करते हैं। ये सुंदर कला प्रेमी बुद्धिमान सरल स्वभाव के काफी रहस्यमयी होते हैं, इसलिए इन्हें अपनी लाइफ में काफी सफलता भी मिल जाती है। दोस्तों लाइफ पार्टनर के रूप में वृषभ राशि के लड़कों को मेष मिथुन और मीन राशि की किसी भी पसंद आई लड़की से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ इनकी सबसे परफेक्ट जोड़ी बनती है। सेकंड नंबर, दोस्तों वृषभ राशि के लड़के कर्क सिंह और तुला राशि की किसी भी पसंद आई लड़की से शादी कर सकते हैं, तो इन राशियों के साथ इनकी जोड़ी सामान्य कही जा सकती है, यानी कि कभी खुशी कभी गम। थर्ड नंबर, दोस्तों वृषभ राशि के लड़के वीडियो में बताई गई राशियों के अलावा यदि अन्य राशि की लड़की से शादी कर लेते हैं तो ये एक दूसरे के साथ जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाते। इनके आपस में हमेशा मतभेद बने रहते हैं, अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इतना ही नहीं, हमेशा वाद विवाद और ग्रह कलेश में फंसे रहते हैं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।